हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो इस वीकली रीडिंग में हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसे रहेगा कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी सो so, यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जस्ट इज ओके मैं देख लेती हूँ और कार्ड्स आप लोग के लिए आई थिंक आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है uh, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके लिए जहां से जैसे आपकी लाइफ का मैं कहूं इस वीक से ही जस्ट uh, आपके सोचने का तरीका आपके काम करने का तरीका मैं कहूँ आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे उस पॉइंट की वजह से कुछ भी हो सकता है वो uh, हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अवेकनिंग की प्रोसेस से चल रहे हों तो यहाँ पे उनकी अवेकनिंग हो जाए और जो चीजें उनके समझ में नहीं आ रही थी अभी तक जिन चीजों के क्वेश्चन उनके माइंड में ऐसे रहते थे कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा मुझे क्यों धोखा मिला उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते थे खुद से तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपको वो सारी चीजों के आंसर इस वीक मिलने वाले हैं और उससे होगा ये कि आपकी लाइफ लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी आपके सोचने का तरीका कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैं आपके अंदर कम्पैशन सेल्फलेस लव आते हुए देख रहे हैं यहाँ पे हर चक्र आपका सेंटर में रहेगा फॉरगिवनेस भी आप सीखोगे आप माफ़ करना भी सीखोगे अपने मैं तो आपका एक्सपेंड हो रहा है आपका जो हर चक्र है वो एक्सपेंड हो रहा है दी हर्मिट की एनर्जी है जो कह रहा है इनर डिस्कवरी अपने ज्ञान को बढ़ाना जो भी आपके अंदर नॉलेज है वो उसको बढ़ाना इवन दूसरों को भी रहा दिखाना जो भी आ, मैं कहूँ की आप लोग काफी टाइम से स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे आई नो आप लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे चीजों को अः यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि फाइनली वो अवेकनिंग हो जाना और सारी चीजों का क्लियर हो जाना इसकी वजह से हो सकता है कि ये जो अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस चल रहा है तो इस वीक थोड़ी सी आपकी एनर्जीज ऐसे होना कि आप खुद को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हो आपके ऊपर तो थोड़ा सा आप ड्रेन फील करो समटाइम्स थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपको आपके अंदर एनर्जी नहीं है आप बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं आपकी वाइब्रेशन स्लो हो रही है क्योंकि वो एनर्जीज का जो एसेंशन का यहाँ पे पीरियड चल रहा है ना उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीक कोई लिब्रा पर्सन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं Uh, मैं देख रही हूँ आपके लिए आगे के लिए ना बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पे अगर आप अपने प्रोफेशन की अगर आप अपने कैरियर की भी बात कर रहे हो ना तो वहां भी मैं देख रही हूँ कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं आपको ऑफर्स मिल सकते हैं नहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं नहीं नाइन पेंटिकल्स ही है खुद पर काम करना खुद पर मेहनत करना किसी पर भी आप लोग डिपेंडेंट नहीं रहोगे जो करना है आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको जो करना है आपको खुद को प्रोवाइड करना है तो वो आप अपने लिए खुद करोगे आपको खुश रहना है तो वो आप अपने लिए करोगे जस्ट खुद को इम्प्रूव कर रहे हो आप लोग मुझे अपने लुक्स में भी बहुत सारे चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हो अपनी हेल्थ का आप लोग यहाँ पे ख्याल रख रहे हो खुद को और ज्यादा मैं कह रही हूँ अप्रिशिएट कर रहे हो खुद को अप्रिशिएट करना खुद को समझना सेल्फ लव वो वाली पे एनर्जी है हो सकता है ये ये वाली जो एनर्जी है ये मुझे थोड़ी सी सिंगल वाली देती है कि सारा फोकस इस टाइम अपने ऊपर है रिलेशनशिप पे नहीं है अगर पास्ट में आपके साथ ऐसा रहा है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के गए थे जिनकी वजह से आप परेशान रहते हो दुखी रहते हो सो जस्ट यहाँ पे आप अप, अपने ऊपर फोकस लेके आ रहे हो यहाँ पे ऐसा है वेट की एंडिंग कि आप जो सोच रहे हो कि अब मुझे वेट नहीं करना और अपना ही ख्याल रखना है बस अपने ऊपर ही ध्यान देना है जस्ट जैसे इनफ इज इनफ वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग नजर आ रही है और देखती हूँ मैं आप लोग के लिए एक और कार्ड स्कॉर्पियो पेज ऑफ सोर्ट सो केस सो, मैं एक बात बताऊँ जल्दीबाजी नहीं मचाना किसी भी चीज़ में हो सकता है कि सा, सारी जो भी चीज़ चल रही है ना तो कोई आपसे थोड़ा सा भी कुछ कहे बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए हाई प्लेस है तो इंट्यूशन का लेवल आपका बढ़ रहा है Uh, काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे आप लोग इस वीक आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो इंट्यूशन की सुनिएगा और पेज ऑफ सोर्स मुझे कह रहा है कि आपको काफ़ी सारे चेंजेस मैंने कहा ना आपके विदिन काफ़ी सारे चेंजेस आने हैं वो चेंजेस आपको सोसाइटी में भी लाने हैं आपको दूसरे लोगों को गाइड भी करना है बट समाइम्स आप एग्रेसिव हो जाते हो आप मैं कहूँ रूड हो जाते हो या फिर जस्ट अपने डिसीजंस को जो भी सही है आप दूसरों पर थोपते हो कि नहीं यही सही है तो यही करना है तो आप वो नहीं करो क्योंकि आप लोगों के स्टेट ऑफ माइंड को समझो हो सकता है जो चीज़ आपके लिए सही हो वो दूसरों के लिए सही ना हो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि दूसरों पे थोपे नहीं कोई भी चीज अगर कोई फॉलो कर रहा है उसे तो ठीक है नहीं तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है आप समझ रहे हो इस रेक्स से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस स्कॉर्पियो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा बट किसी के लिए तो हो गई देखती हूँ से स्कॉर्पियो वृशिक राशि अटैचमेंट यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे अटैचमेंट हो सकते हैं आप लोगों की बहुत परवाह करने वाले होते होंगे बहुत ज्यादा केयर करना दूसरों के बारे में सोचना बट लोग शायद इस चीज को समझ नहीं पाते होंगे हम्म हुँ? इसकी वजह से आप थोड़ी से परेशान हो जाते हो खुद को बंधा हुआ फील करते हो आपके आस के जो भी लोग हैं ना आप दिल से बहुत केयर करते हो उनकी बहुत परवाह करते हो दिख रहा है मुझे यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस तो यहाँ पे है कि बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आना है अपने इमोशंस की इमोशंस की बात करूंगी मैं आपको की थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस आपको लेके आना है और मैंने पहले ही कहा यहाँ पे कि इतनी सारी जब मैं कहूँ असेंशन होंगी आपकी अवेकनिंग टाइप ऑफ होगी ना तो थोड़ा सा आपको एनर्जीज का यहाँ पे फ्लो ज्यादा रहेगा तो आप ड्रेन फील करोगे तो खुद को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह योगा करिएगा आप लोग प्रैक्टिस योगा अनलोम विलोम जो भी ये चीजें रहती हैं ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा डीप ब्रीदिंग की तो आपके लिए अच्छा रहेगा यू आर रेडी तो यहाँ पे है आप रेडी हैं जस्ट आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ की न्यू जर्नी के लिए न्यू स्टार्ट के लिए और वेलकम करिए इस नई स्टार्ट का सक्सेस यहाँ पे सक्सेस भी है आप लोगों के लिए और यही है बस अपने ख्याल रखिएगा यहाँ पे आप लोगों से ये कहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम आप लोग की लाइफ का ओके सर इस रीडिंग के लिए इतना ही मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बाय